13 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। फिरोजाबाद में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को प्रातः 10 बजे से जनपद न्यायालय प्रांगण में किया जाएगा, जिसमें आपसी सुलह समझौतों से वादों का निस्तारण किया जाएगा। अपर जनपद न्यायाधीश एवं नोडल अधिकारी राजीव सिंह ने वार्ता करते हुए बताया कि लोक अदालत में जिला जज हजवीर सिंह के निर्देशन में 13 जुलाई को आयोजित होगी। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर सत्र न्यायाधीश पीयूष सिद्धार्थ संचालन करेंगे। लोक अदालत में राजस्व के 30,364 वाद व अन्य विभागों के 59,065 वाद, बैंक ऋण संबंधी 36,626 वाद, टेलीफोन के 1,504, विद्युत के 1,500 वादों को चिन्हित किया गया है। विद्युत विभाग के उपभोक्ता लोक अदालत में बकाया जमा छूट प्राप्त कर सकते हैं। न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत में 27,196 वाद निस्तारण हेतु चिन्हित किए गए। मोटर दुर्घटना प्रतिकार दावा अधिकरण द्वारा 145 वाद निस्तारित हेतु चिन्हित किए गए। परिवार न्यायालय में वैवाहिक वादों के कुल 92 वाद निस्तारित हेतु चिन्हित किए गए हैं। अरविंद कुमार, फिरोजाबाद, समाचार 24। देखिए, ये राष्ट्रीय लोक अदालत हर साल अब 4 बार होती है, तो इस बार जो 13 जुलाई 2024 को आयोजन इसका किया जा रहा है, उसमें हमारा 2,75,000 का लक्ष्य है। और पिछली बार भी हमारी जो 9 मार्च को हुई थी लोक अदालत, उसमें 2,50,000 का लक्ष्य है। तो 2,22,000 हमने केस हमारे निमट पाए थे, उसमें निमटा लिए गए थे। और ये राष्ट्रीय स्तर पर तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और स्टेट स्तर पर जिला राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश में इसका आयोजन किया जाता है। और हमारे माननीय जिला जज जो इसके चेयरमैन है और पीयूष सिद्धार्थ सचिव हैं जो अपर जिला जज हैं, उनके द्वारा सब विभागों के जो विभाग अध्यक्ष हैं उनके साथ बार बार मीटिंग की जाती है कुछ कुछ समय पे, और उनको अवगत कराया जाता है कि किस किस स्तर के किस किस तरह के वाद इसमें निपटाए जाते हैं। तो इसमें जो होते हैं मोटर एक्सीडेंटल क्लेम के वाद और ये बिजली से संबंधित विभाग और पारिवारिक न्यायालय से संबंधित, उत्तराधिकार, बैंक रिकवरी, इन सबसे संबंधित, और जो कंपाउंडेबल होते हैं सीआरपीसी के अंतर्गत वो भी विवाद होते हैं। सीपीसी में जो समझौते के आधार पर होते हैं विवाद, जो इसमें सुलह समझौते से होते हैं। और ये इसमें इसका एक पर्पस से बहुत मेन ये है कि इसमें दोनों पक्षकार म्यूचुअल कंसेंट से अपने विवादों को निपटाते हैं और जिसकी अपील नहीं होती है। और अगर कोई पहले से पेंडिंग इसमें विवाद है और उसको भी समझौते के आधार पर निपटाया जाता है, तो उसका जो सिविल के मैटर में फी जो जमा होती है वो वापस कर दी जाती है। तो अब ये देखा जा रहा है कि हर प्रत्येक राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा वादों का निपटान हो रहा है, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण के तत्वाधान में इसका आयोजन हर 3-3 महीने के उपरांत में करती है। इससे काफी वर्कलोड कम होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो हमारे वैसे राजस्व और उसके विवाद है वो भी काफी संख्या में निपटाए जा रहे हैं, और जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं उनके भी विवाद जो कंपाउंडेबल वाले होते हैं उनके द्वारा सिविल और सीआरपीसी के अंतर्गत होते हैं उनको भी निपटाया जा रहा है। अगर इस वाद ना निमटते तो इस स्तर पर राष्ट्र के स्तर पर 4-4 बार लोक अदालत का आयोजन नहीं किया जाता। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जैसे हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हैं, वो खंड विकास अधिकारी और वीडियो वगैरह को उनको बुलाते हैं और उनसे कहा जाता है कि आप अपने क्षेत्र प्रचार करें। और आप ये देख रहे होंगे कि जो एसपी यातायात और एसपी सिटी हैं और हर चौराहे पर हमारे माइक के द्वारा भी प्रचार किया जा रहा है। हर विभाग से हम यही विनती करते हैं कि वो अपने क्षेत्र में जैसे जो सीडीओ हैं वो अपने गांव से संबंधित, तहसील से संबंधित, एसडीएम से वो अपने वो प्रचार प्रचार करें। ग्राम प्रधान उनके यहाँ आते हैं, सेक्रेटरी आते हैं, तो उनके द्वारा जितना भी हो सकता है उनके प्रचार प्रसार के लिए हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो सचिव हैं पीयूष सिद्धार्थ, वो बार बार मीटिंग करते हैं और उनको अवगत कराते हैं कि किस तरीके का ये प्रचार प्रसार किया जाए और उसमें उनकी मदद करते हैं।